दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो उसके लिए घंटी को दबाइए। तो दोस्तों, इस बार की वीडियो है अमेजिंग फैक्ट्स ऑन सलूकी इन हिंदी। सलूकी जो डॉग है, अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो ये बहुत ग्रेसफुल और फ्रेजाइल दिखेंगे, बट आप इनकी शक्ल पर मत जाइए दोस्तों, ये बहुत एविड हंटर है। क्योंकि इसकी जो ये पर्सनैलिटी है कि ये एविड हंटर है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा खूंखार नहीं बोले, लेकिन ये अपने शिकार के पीछे घंटों दौड़ सकता है उसे पकड़ने के लिए जो इसका है। और वो कोई भी टेरेन हो, चाहे वो पानी हो और चाहे वो मैदान हो, घास के मैदान हो, चाहे रेत का इलाका हो, ये बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। और इन्हीं की इस क्वालिटी के ऊपर ये रेस होनी भी शुरू हो गई इनकी। तो जो सऊदी अरेबिया जो ये देश, यहाँ पे रेस, इन्हें फेंस रेस बोला जाता है, जिसमें एक खिलौना होता है वो खरगोश की तरह होता है और इन डॉग्स को बढ़ा है। और ये डॉग्स हैं, ये कोट होता है, बहुत ही सिल्की माना जाता है, क्योंकि ये धूप में ये जो होता है शाइन करता है। तो अब मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता देता हूँ। ये बहुत जेंटल है, बहुत डिग्निफाइड है, मतलब लॉयल और रॉयल रहेगा ये अपने चीज़ों में, बहुत लॉयल है और इंडिपेंडेंट है, अपने मालिक की भी सुनेगा और अपनी भी करेगा। तो दोनों के ये 50-50 चांसेस है ये किसकी क्या करेगा। अब एनर्जी लेवल, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि इसे खेलना पसंद है, खेलना नहीं, इसे भागना पसंद है, क्योंकि इसकी बॉडी डिज़ाइन हो रखी है वो बिल्कुल एक दौड़ने वाले जानवर के रूप में हो सकती है, हुई हुई है। ये बहुत एजाइल रनर है और इन्हें बहुत अच्छा लगता है चेस करना, मतलब दूर तक भागना। तो आप एथलीट जो हैं, एथलीट जो मैन है, ह्यूमन है, उनके लिए बेस्ट डॉग है, लेकिन कोई भी ऐसा है। बट जब आप बता देते हैं, बच्चों के साथ इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, लेकिन सुपरविजन की ज़रूरत है। उस डॉग भी इनका बिहेवियर अच्छा है, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत सुपरविजन की ज़रूरत रहेगी। शेयरिंग इनकी इंक्रीमेंट होती है, ग्रूमिंग ओके डिपेंड करते हैं। इस सेक्शन में हम ये बोलते हैं, ये माइक के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर आप इनके बड़े बाल रखना चाहते हैं, ये छोटे बड़े बाल रखेंगे कि आपको डेली बेसिस पे ही रखना पड़ेगा, कि अगर आप बड़े बाल होते हैं तो आपको डेली उन्हें सुधारना पड़ता है। और डॉग है, मतलब हर जगह जाता है, तो आपको देखो केयर करनी पड़ेगी। और नहीं छोटे बाल रख सकते हैं, इनकी कानों के और इनके पूंछ के बहुत बड़े हो जाते हैं, जो इन पर बहुत ग्रेसफुल। अब ट्रेनिंग, ये इंडिपेंडेंट है, जैसे मैं बता चुका हूँ, ये अपना माइंड भी लगाते हैं और अपने ट्रेनर का भी सुझाव सुनते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट है, मतलब कल या ट्रेनिंग तो कर ली, नहीं तो मतलब मनमौजी टाइप से ही। अब बताते हैं हाइट मेल की, 23 से 28 इंचेस की है मेल की, और फीमेल की कंसिडरेबली मतलब स्मॉलर है, मतलब 19-20 का फ़र्क होगा, आप पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन वही अगर आप इंची टेप से या किसी नापने वाली चीज़ से देखेंगे तो 19-20 का फ़र्क दिख जाएगा आपको। वेट दोनों मेल फीमेल का 40 से लेकर 65 पाउंड है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 17 साल की उम्र तक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन एवरेज से थोड़ी ज़्यादा है डॉग्स में। बार्किंग लेवल उतना ही भौंकते हैं जितनी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इधर तक देख चुके तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो थैंक यू।